हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विनीज मील्स। विनीज मील्स में आज हम बहुत ही हेल्दी स्नैक्स लेकर आए हैं, मखाने का चूड़ा। मखाने कितने गुणकारी हैं ये तो आप सभी जानते हैं ना, तो बस चलिए मखाने को और टेस्टी बनाकर खा लेते हैं। बस एक पेन में हमें थोड़ा सा घी लेना है, 2 चम्मच के करीब। बस घी जैसे गर्म हो जाए फिर उसमें थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, इसको हल्का गुलाबी होने तक हमें तलना है। बहुत ज़्यादा क्रंची नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, जैसे वो हल्का सा कलर चेंज होने लगे ना बस उसको इमीडिएट हमें निकाल लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो वो फिर बहुत कड़वे लगने लगते हैं। थोड़ा सा भी ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। बस ये देखिए कैसे पिंक जैसे हो गए ना, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब जो पेन में हमारा घी बचा है हम उसी घी में मखाने ऐड करेंगे। आप चाहें तो मखानों में अगर ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर मखाने की टेंडेंसी क्या है, वो सारा घी अब्जॉर्व कर लेता है। अगर आप इसको डीप फ्राई करेंगे ना तो भी कढ़ाई में जितना घी है ना वो सारा अब्जॉर्व कर जाएगा। इसलिए मैं इसे कम घी में ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर वो खाने में ना मुँह में एकदम घी घी का टेस्ट आता है। तो बस ये ड्राई फ्रूट के बाद जो घी बचा था उसी में मखाने हमारे रोस्ट हो गए। 5 मिनट में ही हमारे मखाने रोस्ट हो गए। देखिए इसको हम हाथ से एक बार टेस्ट कर लेंगे इसे दबाते हुए। ये देखिए कैसे क्रंची हो गए हैं, पूरे अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी हो गए ना। बस गैस की फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है। बस इसमें पेन में ही थोड़ी सी देर में और अच्छे से क्रंची हो जाएंगे। उसके बाद उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। फिर जो भी आपने ड्राई फ्रूट तल के रखे हैं वो भी उसमें ऐड कर दीजिए, साथ में थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। बस ये चिवड़ा इतना टेस्टी और इतना मिनटों में बनता है कि हर कोई ये बनाना भी पसंद करता है और खाना भी पसंद करता है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आता है। बस इस टेस्टी हेल्दी चिवड़े को बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।